नमस्कार, आज हम अमेज़न के बारे में बात करेंगे जो कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और उसके फाउंडर मिस्टर जेफ बेजोस दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। अमेज़न शुरू करने से पहले मिस्टर बेजोस न्यूयॉर्क के एक इन्वेस्टमेंट फर्म में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। उस टाइम उन्हें इंटरनेट में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखने लगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंटरनेट का यूज सालाना 2300% से बढ़ रहा है और फिर उन्होंने इंटरनेट के ग्रोथ पोटेंशियल को यूज करने के बारे में सोचा और अपना बिजनेस उसी डोमेन में शुरू करने का प्लान बनाया। फिर उन्होंने 20 से 25 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई जिन्हें वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और फिर बुक्स को उन्होंने फाइनलाइज किया क्योंकि उन्हें लगा कि बुक एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जिसे हर जगह पढ़ा जाता है, उसकी कीमत कम होती है और अमेज़न की वेबसाइट के जरिए लोगों को एक ही जगह पर सारी बुक्स मिल जाएगी। मिस्टर बेजोस को पता था कि ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने से उन्हें बाकी फिजिकल स्टोर्स की तरह बुक्स अपने पास मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी बुक की ऑर्डर उन्हें मिलेगी तब वो उसे खरीद लेंगे जिससे वो अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं और बदले में कस्टमर्स को अच्छा डिस्काउंट दे सकते हैं। अपनी बिजनेस आइडिया फाइनलाइज करने के बाद वो सिएटल चल पड़े। उनके सिएटल जाने के पीछे दो कारण थे। वहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनी होने की वजह से उन्हें टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आसानी से मिल जाएंगे और दूसरा वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे जहाँ पर वो ऑर्डर के अनुसार बुक्स खरीद सकते थे। मिस्टर बेजोस अपना बिजनेस 11 से शुरू करना चाहते थे क्योंकि उनके कई एंटरप्रेन्योरियल हीरोज ने 11 से अपने बिजनेस शुरू किए थे। तो नवंबर 1994 में उन्होंने एक गैराज में दो प्रोग्रामर्स के साथ अपना ऑफिस सेटअप किया। उन शुरुआती दिनों में उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो मिस्टर बेजोस ने उनके पेरेंट्स को अप्रोच किया और उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताया। तो उनके पापा ने उनसे पहला सवाल ये किया कि ये इंटरनेट क्या होता है क्योंकि तब इंटरनेट के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। मिस्टर बेजोस के पेरेंट्स को मिस्टर बेजोस के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्हें उस बिजनेस पर नहीं बल्कि मिस्टर बेजोस पर कॉन्फिडेंस था। अमेज़न के शुरुआती दिनों में मिस्टर बेजोस को उनकी वाइफ मैकेंजी ने भी बहुत सपोर्ट किया। जब मिस्टर बेजोस ने अपनी कंपनी रजिस्टर की तो उन्होंने कंपनी का नाम काडाब्रा रखा था। कैडाब्रा ये नाम उन्होंने आबरा का डाबरा इस मैजिकल वर्ड से लिया था। एक बार किसी ने फोन पर कंपनी का नाम काडाब्रा की बजाय कड़ावर सुना और कड़ावर का मतलब होता है डेड बॉडी। इस वाकये के बाद कन्फ्यूजन टालने के लिए मिस्टर बेजोस ने कंपनी का नाम बदल दिया और अमेज़न रखा। उन्हें अमेज़न के बारे में ये फैक्ट बहुत अच्छा लगा कि अमेज़न ना कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है बल्कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी से 10 गुना बड़ी है, यानी वो अपने सेकंड कंपटीटर से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जो पैसे उन्हें अपने पेरेंट्स से मिले थे उससे उन्होंने कुछ और एम्प्लॉयज को हायर किया और 16 जुलाई 1995 को अमेज़न की वेबसाइट amazon.com लॉन्च की। अमेज़न की वेबसाइट पर तब बड़े अक्षरों में लिखकर आता था अर्थ बिगेस्ट बुक स्टोर। बुक्स की जो प्राइसेस उन्होंने रखी थी वो बुक स्टोर्स की प्राइसेस से कम थी। उस टाइम याहू व्हाट्स को लिस्ट पब्लिश करता था। अमेज़न की वेबसाइट लॉन्च होने के 3 दिन बाद ही amazon.com याहू की व्हाट्स को लिस्ट में आ गई और पहले हफ्ते में ही amazon.com पर $12,438 के ऑर्डर्स प्लेस हुई। अमेज़न ने बीप साउंड की फंक्शनैलिटी लगाई थी, यानी जब कोई अमेज़न पर ऑर्डर प्लेस करता था तो बीप आवाज़ सुनाई देती थी। जल्दी वो बीप साउंड डेली आ रही बहुत सारी ऑर्डर्स की वजह से फ्रिक्वेंटली आने लगी जिससे वो आवाज़ सबको एनोइंग लगने लगी और फिर उन्हें उस बीपिंग साउंड की फंक्शनैलिटी को बंद करना पड़ा। जल्दी अमेज़न की ट्रैफिक तेज़ी से बढ़ने लगी। सेल के साथ ही अमेज़न के एक्सपेंसेस भी तेज़ी से बढ़ने लगे जिससे मिस्टर बेजोस को और पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी और 1995 के आखिर में उन्होंने $981,000 की फंडिंग उठाई। अमेज़न की ग्रोथ इतनी तेज़ी से हो रही थी कि हर 6 महीनों के बाद उन्हें अपना वेयरहाउस बदलना पड़ रहा था। अमेज़न की इस ग्रोथ को देखकर उन्हें VCs यानी वेंचर कैपिटल फर्म्स के कॉल आने लगे और जल्दी अमेज़न ने क्लेनर पर्किंस कॉफील्ड एंड बायर्स इस VC फर्म से $8 मिलियन की फंडिंग उठाई। 1997 के फर्स्ट क्वार्टर में अमेज़न का रिवेन्यू $16 मिलियन था जो कि उनके 1996 के पूरे साल के रिवेन्यू से ज़्यादा था और ये पूरा सेल बुक्स का था। तब अमेज़न सिर्फ बुक्स बेचा करता था। 15 मई 1997 को अमेज़न US स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। अपने IPO के जरिए उन्होंने $54 मिलियन की फंडिंग उठाई। अमेज़न का IPO $18 पर शेयर की प्राइस पर आया था। 1998 में अमेज़न ने अपनी वेबसाइट पर म्यूज़िक और मूवीज़ ऑफर करना शुरू किया। म्यूजिक और मूवीज ऐड करने के बाद उन्होंने अपने रैंडमली सिलेक्टेड 1000 कस्टमर्स को ईमेल किया और उनसे पूछा कि अमेज़न की वेबसाइट पर वो और कौन से प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे। तो उन कस्टमर्स से उन्हें कुछ आइडियाज़ मिली और फिर उन्होंने धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, वीडियो गेम्स और गिफ्ट्स बेचना शुरू किया। साल 2000 तक अमेज़न की वेबसाइट पर सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे और बहुत सारे रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न की वेबसाइट पर ऑफर कर रहे थे और फिर .com बबल आ गया जिसमें बहुत सारी बड़ी वेल फंडेड इंटरनेट कंपनीज फेल हो रही थी जिससे बहुत सारे एनालिस्ट अमेज़न के बिजनेस मॉडल पर डाउट करने लगे
कुछ एनालिस्ट ने तो अमेजन भी फेल हो जाएगी ऐसा कह दिया था, क्योंकि तब तक अमेजन प्रॉफिटेबल नहीं हुई थी। जो मीडिया पहले अमेजन की तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी, वही मीडिया अब अमेजन को क्रिटिसाइज कर रही थी। लेकिन मिस्टर बेजोस ने आउटसाइड नॉइज पर ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करते रहे। अमेजन की शेयर प्राइस 1998 में $130 तक चली गई थी और साल 2001 की शुरुआत में वो $15 तक गिर गई थी। 2002 में अमेजन ने अमेजन वेब सर्विसेज दैट इज AWS शुरू की, जो कि अमेजन की वेबसाइट सॉल्यूशन कंपनी है, जो कि आज क्लाउड मार्केट को डोमिनेट कर रही है। 2003 में हैरी पॉटर सीरीज की 5वीं बुक हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स रिलीज होने जा रही थी और लोग अमेजन पर उसकी प्री ऑर्डर डाल सकते थे। 21 जून 2003 को वो बुक रिलीज हुई और तब तक उस बुक की 13 लाख कॉपीज प्री ऑर्डर हुई थी, जो कि अमेजन के लिए एक रिकॉर्ड ही था। उस बुक की इतनी ज़्यादा सेल से अमेजन को प्रॉफिटेबल होने में मदद हुई। तो 2003 में पहली बार अमेजन पूरे साल के लिए प्रॉफिटेबल हुई। उस साल अमेजन को $35 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। उस प्रॉफिट का उपयोग उन्होंने लोगों को और ज़्यादा डिस्काउंट्स देने के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए किया। नवंबर 2007 में अमेजन ने किंडल लॉन्च किया, जहां पर लोग ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हैं। लॉन्च होने के एक साल के अंदर ही 2.5 लाख किंडल्स बेचे गए। मिस्टर बेजोस स्टॉक प्राइस में हो रहे अप और डाउन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम कस्टमर्स के बारे में सोचेंगे और उन्हें अच्छी सर्विस देंगे तो उसका कंपनी को फ़ायदा होगा और फिर लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस अपना खुद ध्यान रखेगी। आज यानी 20 जनवरी 2019 को अमेजन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। अमेजन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $829 बिलियन है, यानी करीब 58,03,000 करोड़ है। ये फिगर इतनी बड़ी है कि कई कैलकुलेटर्स में तो ये बैठ भी नहीं पाएगी। और अमेजन के फाउंडर मिस्टर जेफ बेजोस की नेटवर्थ $140 बिलियन है, यानी करीब 980,000 करोड़ है। जिस तरह मिस्टर बेजोस को अमेजन के सक्सेस का फायदा मिला है, उसी तरह जिन इन्वेस्टर्स ने अमेजन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, उन्हें भी बहुत प्रॉफिट मिला है। अमेजन के सक्सेस में कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का अहम रोल रहा है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ वैल्यूएबल लेसन जरूर सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो का कुछ कॉन्टेंट हमने द स्टोरी ऑफ amazon.com बाय सारा गिलबर्ट इस बुक से लिया है। इस वीडियो में हमने .com बबल का भी जिक्र किया है, जिस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। तो .com बबल के बारे में सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप .com बबल के बारे में जान सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।